नमस्कार बुलेटिन को स्वागत स्मृति लग्ना प्रथम हेडलाइंस विश्व परिवेश दिवस स्वतंत्र कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विभिन्न विभाग मंत्री सामिल विभिन्न राज्य चाषी मोदी आलोचना जैविक पद्धति में चाष कम को गुरुत्व पदार पड़ा बीजेडी कंदल मुहांमुही हेले ढेंकानाल सांसद व पालहड़ा विधायक सांसद पहुंचा पूर्व विधायक कोविड सेंटर उद्घाटन करथिबा उत्तेजना उभय नेता समर्थकों जुक्ति तर्क केन्द्रापड़े राज्य विद्युत ठिकादार संघर प्रतिवाद टीपीसीओजीएल निर्वाही जंत्री कार्यालय सम्मुखें कंपनी सीओ को घेरिले कर्मचारी राज्य विद्युत विभाग को टाटा पावर नेबा परे ठिकादार को कार्य निवृत्त करेसरे लगातार कमुची संक्रमण 58 दिन पर सबुठ कम आक्रांत चिह्नट दिनक 1,20,000 संक्रमित एपटे राज्य में आउ 7,395 पजिट 24 घंटार गला आउ 40 शिव एवं एथर ठीक समय ओडिशा छुईपे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु 11 तारीख में उत्तर बंगोपसगर व आखपाख अंचल सृष्टि हो लघुचाप मौसुमी को लघुचाप सक्रिय करवा आईएमडी टीचिंग सूचना संपूर्ण खबर को आसिबा विश्व परिवेश दिवस अवसर में आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में सामिल हेले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम में विभिन्न विभाग मंत्री उपस्थित रही थे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रकाश जावडेकर नितिन गडकरी प्रमुख उपस्थित रही थे विभिन्न राज्य चाषी सहित प्रधानमंत्री आलोचना जैविक चाष को नहीं प्रधानमंत्री अनुभूति बांटी चाषी चाष कम लगी महिला चाषी को मोदी करिछंती प्रशंसा जैविक पद्धति में चाष करने चाषी को प्रधानमंत्री परामर्श जैविक पद्धति में चाष कले माटी मां सुरक्षित माटीर उर्वरता बजाय रहाद्वारा चाष कम भल भाव एथसत इथानल उत्पादन एवं वितरण वृद्धि मोदी देखते गुरुत्व पुणे इथानल वितरण स्टेशन शुभारंभ कर प्रधानमंत्री इथानल उत्पादन प्लांट तैयारी इथानल चाषी को अधिक लाभ मिलू तेल कंपनी गुड़िक 21,000 कोटी इथानल क्रय कर सौरशक्ति क्षेत्र में आग को बढ़ुची भारत 20% इथानल मिश्रित पेट्रोल बिक्री लक्ष्य धार्य कर भारत पर विश्वर भरोसा बढ़ी चूली जल्वा कमिबा द्वारा परिवेश प्रदूषित कमी महिला स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति आसीबा प्रधानमंत्री कहते भारत टॉप 10 कंट्रीज में दुनिया के प्रमुख 10 देशों में आज उसने अपनी जगह बना ली है। साथियों, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उसके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। हम एक तरफ ग्लोबल साउथ में एनर्जी जस्टिस के प्रति संवेदनशीलता और ग्लोबल नॉर्थ के उत्तरदायित्वों के हिमायती हैं, तो दूसरी तरफ अपनी भूमिका का निर्वहन भी पूरी गंभीरता से कर रहे हैं। भारत ने एनर्जी ट्रांजिशन का एक ऐसा मार्ग चुना है जिसमें हमारी नीतियां और निर्णयों में हार्ड और सॉफ्ट कंपोनेंट्स को दोनों को बराबर महत्व है। अगर मैं हार्ड कंपोनेंट की बात करूं तो भारत द्वारा तय किए गए बड़े बड़े लक्ष्य हो उन्हें लागू करने की अनप्रेसिडेंटेड स्पीड हो, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। 6-7 साल में रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी कैपेसिटी में 250% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। पहले तो आप ये बताइए कि आप खेती में वो कौन सी चीजें करते हैं जो कुछ नयापन है और देश के लोगों को जानना अच्छा लगेगा। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं पुणे में
पुणे में मावल तालुके में रहते हैं। मैं खेती में चावल, चना, बटर, सोयाबीन, मूंगफलिया और सब्जी में बोलो तो सब हर सब्जी में लेता है। भिंडी, मिर्ची, वांगी, गवार, ये सब सब्जी लेता है मैं। और इसमें है ना, मैं सबसे ज्यादा अपना जैविक खाद्य यूज करता है। नोबेल एक्सचेंज चलेगा में प्लांट है गैस का, बायोगैस का, उधर से मेरे से सैंपल में प्रयोग करने में वो कंपनी मेरे को ये देता है। मैंने अभी बोलो तो 2-3 साल वही यूज करा है। अच्छा, आपके इलाके में इथेनॉल पर भी काफी प्रयोग हुए हैं और इथेनॉल और दूसरे बायोफ्यूल का लाभ भी वहां पर किसानों को मिलने लगा है। आप उसके साथ कैसे जुड़े हैं, आपको क्या लाभ हो रहा है? उसके बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं, पर मैं खाद्य के बारे में बता सकता है। मैं कई शेतकड़ी है जिसके लिए मैं वो वही जैविक खाद्य लेके यूज करता है। पूरी तरह जैविक करते हैं? हाँ, पूरा जैविक। मैं कैसे खाद तैयार करते हैं या बाहर से लाते हैं? नहीं, पहला कहता था तो अपने इतना ये नहीं मिलता था ना, अभी इधर मिल रहा है चलेगा में, उधर से मैं लेके जाता है। अच्छा, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे भारत सरकार की ओर से आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूं, जिन्होंने पिछले 7 सालों में विश्व स्तर पे एक नेतृत्व की स्थान अपने सामूहिक प्रयास से, देश की कलेक्टिव इफोर्ट से एक स्थान प्राप्त किया है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री पीयूष गोयल जी, देश भर से जुड़े हुए अनेक किसान भाई और बहनों, भारत सरकार की तथा अनेक राज्य सरकारों की अधिकारी मित्रगण, मैं फिर आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस पे स्वागत करता हूं। इस बार विश्व यूएन ने रीइमेजिनेशन, रीक्रिएट, रिस्टोर ऐसे एक महत्वपूर्ण थीम को अपनाया है, जिसकी साक्षात प्रैक्टिस, साक्षात जीता जागता उदाहरण हमारी देश की नीतियां हैं, हमारी देश की प्रैक्टिसेस हैं। पिछले 7 साल में अगर हम थोड़ा क्षण भर पलट के देखते हैं, पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं, पॉलिसी के स्तर पे, इंसेंटिव देने के स्तर पे, इसको प्राथमिकता बनाने के स्तर पे, ऐसे जैसे संगठन को खड़ा करके विश्व नेतृत्व लेने की ग्लोबल लीडरशिप के स्तर पे, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बायोफ्यूल्स हो, बायोगैस हो, एथेनॉल हो या जैव खेती हो, ये सारा विषय में करते करते आज हम भारत में ऊर्जा खेती इस प्रकार की एक इनिशिएटिव लिए हैं। शायद विश्व में इस प्रकार की मॉडल आने वाले दिनों में विश्व को प्रेरित करेगा। इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन की रूप दिया गया है। समय छोट ब्रेक रो, ब्रेक पर फिर देखा गुरुत्वपूर्ण खबर। फेरवा खबर को एथर ठीक समय ओडिशा छुईपे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु, केरल को 2 दिन विलंब में मौसुमी आगमन होते सुधा ओडिशा को आगमन में विलंब होना आसंता 11 तारीख में उत्तर बंगोपसगर और यार आखपाख अंचल एक लघुचाप सृष्टि मौसुमी को सक्रिय करशार अधिकांश जिला समेत पश्चिमबंग, सिक्किम, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत महाराष्ट्र किसी अंचल में मौसुमी सक्रिय रही आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। बंगोपसगर में लघुचाप मौसुमी को त्वरान्वित बल जगह, फल स्वाभाविक समय ओडिशा को मौसुमी आगमन हो 11 तारीख में लघुचाप जो राज्य में 9 तारीख आड़क वर्षा आरंभ हो 10 तारीख को मौसुमी सक्रिय राज्य में भल वर्षा हो।
केरल छुईवा पर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर आगमन कौन रोची ओडिशा रे केबे हिट करछि एने भारतीय पाणीपा विभाग पक्षर आकलन करायछि सेने अनेक अधिक आलोचना करबा हम सहित महानिर्देशक अछन्ति मृत्युंजय सर सर सर्वप्रथम अर्गस न्यूज चैनल को स्वागत करबी सर जे भली भाबे आपण आकलन करछन्ति जे ओडिशा रे सठिक समय रे पहुंचि पारे तार सर किछि एग्जैक्ट फिगर एजे मिलिलानि कि आपण नाही एपर्यंत आमे आगुरु जहा कहितलु से बजाय रखिछु जे मौसुमी वायु साधारण बेगरे जिमिति आगक अग्रसर होइथाय ए वर्ष अग्रसर होउछि एवं जेउ साधारण तारीख रे अर्थात 10 रु 12 तारीख मध्ये रे ओडिसा निकट रे मौसम पहुँचि थाए ए वर्ष मध्ये सेही भली ओडिसा निकट रे पहुँचिबो एवं सेही समय रे मध्ये गोटिए लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होउछि जहाँ आमे दुइ दिन तले कहितलु 11 तारीख पाखापाखि गोटिए लघुचाप क्षेत्र उत्तर बंगोपसागर सृष्टि हेबो या सहित मौसम वायु ओडिशा आसी पहुँचे सर जेहेतु निकट गोटे बात्या जाइए पुणी गोटे लघुचाप आस तो बन्या स्थिति से भाई उत्पन्न हो पारे खास कर चाष क्षेत्र जिते बड़े कौन गोटे लघुचाप क्षेत्र मौसम वायु समय ओडिशा उपकूल निकट आसी था प्रबल अति प्रबल वर्षा होता है तेणु ए प्रबल अति प्रबल वर्षा ओडिशा हबार संभावना रही तो सर जदि 10 रु 12 तारीख मध्य ओडिशा छुँची ओडिशा रा तटवर्त अंचल छुँची तो आगामी दिन में जो आग को स्टेट गुड़िक रही बेंगल झारखंड हो बा दिल्ली एनसीआर कथा आम जी कह ये सब राज्य में केवे सुधा सेमती पहुँचार आकलन किसी सर बर्तमान आम आकलन यह करूँ जे 13 तारीख सुधा आपण नॉर्थ ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया रो किसी अंश में मौसम वायु प्रवेश कर एवं विशेष भाव जना पड़ धीरे धीरे जो मौसम पहुँचब आपंकर उत्तर बंगोपसगर पाखे से अठिक सठिक भाव कह के राज्य क्यों समय पहुँचब किंतु यह निश्चित जे आपणकर जो आम कह जो लो प्रेसर सिस्टम डेवलप हे ता मौसम वायुर अग्रसर में हेल्पफुल हे एवं यह पूर्व भारत में मौसम प्रवेश को साहय कर सर जो भाव चाष क्षेत्र सब वर्ष मौसुमी आसे भारतीय पापाग विभाग को चाषी मैंने अनई बसती तो सर जेहेतु मौसुमी आसी पुणी थर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती तो ओडिशा चाषी मानी सर कौन मेसेज रौसम वायु लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होता है लघुचाप क्षेत्र मौसम वायु दुटा अलग जिनस नुहे लघुचाप क्षेत्र मौसम वायुर प्रभाव हेतु सृष्टि होता है और लघुचाप मौसम वायु को प्रभावित करें तेणु साधारणतः 13 लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होता है मौसम वायु समय जून रु सेप्टेम्बर मसरे तेणु यह शुभ लक्षण जे वर्ष गोटे लघुचाप क्षेत्र जून मस सृष्टि होने जहाँ कहीलु जे जून मसरे ओडिशा रे भल वर्षा रोज मत लगुच निश्चय ये लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा फल ओडिशा भल वर्षा रोज चाषी भाई मान आपणकर उपकूल मानने मानने अनुकूल रण यह आम जो धान बुणवा इत्यादि कार्य सहायक हे किंतु जो वर्षा कथा कहले हाँ निश्चय वर्षा निकट रे हेई जाइछि विशेषत उत्तर ओडिशा अंचल रे ए जो बात्याटी जाइछि तापरे ये जो गोटे लघुचाप क्षेत्र आसुच्छे से वर्षा हेबार रही प्रबल प्रतिप्रबल वर्षा सर जो भाव कि जो प्रति वर्ष लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हुए अनेक समय देखा जाए कि बन्या क्षेत्र सृष्टि जाए जेहेतु सर 11 तारीख रही आहरी हाथ में 5-7 दिन रही तो सर केबे सुधा आम सठिक भाव में कहीपर के मात्रा वर्षा हम मानते अति प्रबल रु प्रबल जो वर्षा रहे केत जिले में से कथा सर के स्पष्ट जिते लघुचाप क्षेत्र में सृष्टि हे यार पूर्वानुमान अधिक सठिक हे के जिले में केमाण में वर्षा होबार रही कितु बर्तमान यह गोटे पूर्व आकलन करा एवं ये आकलन निश्चित मानने मैनेजमेंट केस रे सहायक रहिबो एवं बन्या कथा सेंट्रल वाटर कमिशन को मध्य ये इनफॉर्मेशन दिया जाउछि से माने को मध्य निरीक्षण करुछंती उपयुक्त समय से माने मध्य बन्या उत्तर ओडिसा रे बुधे अधिक वर्षा साधारणतः जून मास रे जेउ लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइता सेथरे उत्तर ओडिसा एवं उपकूल ओडिसा रे अधिक वर्षा ही होइथाय थैंक यू आपण शुणुले आईएमडी डी जी आम सहित थे जेकि स्पष्ट भाव रखुले मत निश्चित भाव 11 तारीख में जेहेतु लघुचाप रही हिट कर तार प्रभाव रोज तेज निश्चित भाव 9-10 तारीख रू आउ टे चित्र स्पष्ट हो क्यों क्यों जिले में अति प्रबल रू प्रबल वर्षा हो पाए नदल कैमेरा पर्सन नीरज सहित अर्गस न्यूज चर्चा रे पालोहड़ा दबंग विधायक मुकेश पाल एथर निज दल सांसद को घेरिबा सहित समर्थकों को लगाई धमक देवार सांघातिक अभियोग आसी मुकेश को नारे कोविड केयर सेंटर उद्घाटन कार्यक्रम रे ढेंकानाल सांसद महेश साहू को विरोध एवं घेराव करी चर्चा को आसी मुकेश पालोहड़ा विधायक मुकेश पाल दबंगगिरी पतियारा निज दल सांसद महेश साहू को कले असमान केवल असमान कले नहीं बरं निजर समर्थक मानू लगाई महेश को सुनाइले गाली अतिथि भावे डाकी सांसद को कले अपमानित देखु ए दृश्य को
କେମିତି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ମହାପାଲା। ଖୋଦ୍ ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଫିତା କାଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲ। ଆଉ ମୁକେଶଙ୍କ ଏପରି ଦବଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବେ ଆସିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ। ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଂସଦ ଆସିବାର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଲା କଲେ ପାଲ ଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ? ପାଲ ଲହଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି ଦବଙ୍ଗିରି ପଛରେ ରହିଛି କି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ? ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ। କାଲି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ 11:00 ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 11:00 ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପାଲଲହଡ଼ା ଏଇଟାକୁ ଫିତା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁକେଶ ବାବୁ ଏ ରାଜନୀତି କ'ଣ, ଏତେ କରୋନାରେ କି ରାଜନୀତି କରାଯାଏ? ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନ? ଅଥଚ ଆସିକିରି ନିଜେ କରୋନାର ଫିତାଟାକୁ କାଟି ଦେଇକିରି କ'ଣ ବାହାଦୁରଟେ ନେଇଗଲ? ତାପରେ ତା ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଠି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। ବିବାଦୀୟ ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ, ଆଉ ଏବେ ନିଜ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ମୁକେଶ। ମୁକେଶଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମହେଶ ଅଫିସରଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉନି। ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରେ ଆଉ ଆଗକୁ କାମ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଯେ ଏମ୍ପି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପି ମହୋଦୟ କୁଆଡ଼େ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସୋମବାର ଦିନ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ନା କାଲି ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କରିବା। ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏମ୍ପି ମହୋଦୟ, ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି 10-10 ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ବିଜେଡ଼ିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। କେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ଲଢ଼େଇ। ଆଉ ଏବେ ଖୋଦ୍ ସର୍ବସମ୍ମୁଖ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏପରି ପାଲା ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଖବରକୁ। ନିଖୋଜର 14 ଦିନ ପରେ ବି ମିଳୁନାହିଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପତା। ଗତମାସ 22 ତାରିଖରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜନାପାଳ ଗାଁର ଗନ୍ଧର୍ବ ଜେନା। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ପାରାଦୀପ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ 14 ଦିନ ବିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ସିଧାସଳଖ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, 14 ଦିନ ହୋଇଛି ଘଟଣାକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜଙ୍କ ପତା ମିଳୁନି, କାହିଁକି ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି? ଜନାପାଳ ଗାଁ ସେଠିକାର ଯୋଉ ଗନ୍ଧର୍ବ ଜେନା, ଯିଏ ଗତ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ 21 ତାରିଖରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମର କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେଠିକି ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 22 ତାରିଖରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସବୁ ନାଁ ଦାଖଲ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କଲା ପରେ ସେ କେମିତି ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପର ଯୋଉ ଯିଏ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆମର ଗନ୍ଧର୍ବ ଜେନାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଲିଲି ଜେନା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ। ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଜିତ, ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବ ନା? ହଁ, ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛୁ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନିଖୋଜ ବାବଦରେ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠି ଖାମଖିଆଲି ଦେଖାଉଛି।
ସେ କହୁଛି ହଁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରୁ କେମିତି ଗାଏବ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିଛି। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାରାଦୀପର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା, ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ କଣ ସେ କହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା ସେଟା ହେଇଛି। ଆମର କଙ୍କଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନାପଳ ଗ୍ରାମର କନ୍ଧର ଜେନା, ଯେ ଗତ ମେ 14 ତାରିଖରେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁନାହୁଁ, ଅଡିଓ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଯେ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ଦିନ ବିତିଲାଣି କିନ୍ତୁ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପରିବାର ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।